नमस्ते दोस्तों स्वागत है आप सबका इंडियन डिश बेदे में आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ बहुत ही सिंपल रेसिपी बैंगन का भरता तो चलिए दोस्तों रेसिपी शुरू करते हैं आप भी इस रेसिपी को जरूर ट्राई करें और अगर अच्छा लगे तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करें मैंने यहाँ पे एक बार चम्मच सरसों का तेल ले लिया है सरसों का तेल अच्छे से गर्म हो जाने पर आधे चम्मच जीरा डाल देंगे जीरा अच्छे से चटक जाने पर दो पीज हिंग डाल देंगे जीरा और हिंग जब अच्छे से चटक जाए तब मैंने यहाँ पे एक प्याज डाल दिया मैंने यहाँ पे एक मीडियम का प्याज को बारीक कट कर ले लिया था मीडियम टू लो गैस पर प्याज को लगातार चलाते हुए फ्राई कर लेनी है दो से तीन मिनट तक दो से तीन मिनट यानी कि जब तक प्याज ब्राउन हो जाए के बाद में मैंने यहाँ पे एक मीडियम के ही टमाटर को काट लिया है इसे डाल देंगे स्वाद अनुसार नमक आधी चम्मच हल्दी पाउडर आधी चम्मच धनिया पाउडर आधी चम्मच लाल मिर्ची पाउडर आधी चम्मच जीरा पाउडर सारे सामग्री के साथ में प्याज टमाटर को अच्छे से मिक्स कर देना मैंने इस बैंगन के भरते में किसी भी तरह का एक्स्ट्रा मसाला का इस्तेमाल नहीं किया है पर आप चाहे तो इसमें लसन या फिर अदरक को भी ग्रेट करके डाल सकते हैं साथ में गर्म मसाला को भी तो हमने सारे सामग्री के साथ में अच्छे से मिक्स कर दिया है प्याज टमाटर को अब हम प्याज टमाटर को बिना ढाके तीन मिनट के लिए खुले छोड़ देंगे धीमे गैस पर इससे हमारा प्याज टमाटर जो है सॉफ्ट हो जाएगा इधर आप देख सकते हैं प्याज मटर सॉफ्ट हो चुके है तो मैंने यहाँ पे एक बैंगन को यानी आधी किलो बैंगन को जलाकर और छिलके को हटा कर। चेक करके बारीक टुकड़ों में काट लिया था तो उसे डाल देंगे ऊपर से डालेंगे बारीक कटा हुआ हरा दनिया। हरा धनिया धनिया के साथ में बैंगन और मसाला को अच्छे से मिक्स कर देंगे आप चाहे तो यहाँ पे हरा धनिया की जगह पे कस्तूरी मेथी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं गैस को हम इस टाइम धीमे रखेंगे अगर भी मसालादार सब्जी खा के हो गए बोर तो इस तरह से सिंपल रेसिपी एक बार जरूर ट्राई करे लेकिन मानिए ये जो रेसिपी ना सभी को बहुत ज्यादा पसंद आने वाली है इसमें बहुत ही कम तेल का बहुत ही कम मसालों का इस्तेमाल किए गए ये हेल्थ के लिए भी काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद है तो दोस्तों आप भी इस रेसिपी को जरूर ट्राई करें और अगर आपको हमारी ये रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें पास में बेलाइकन को जरूर दबाएं इससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक मिलती रहेगी